आप देख ही सकते हैं भीड़ है यहाँ पे, इसमें नो डाउट है। फिर मैं फिर देखता हूँ कि कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है। तो कॉफ़ी बन रहा है, मैं बिल्कुल मुझे लग रहा है अच्छी ही होगी, तभी इतना भीड़ है। दोस्तों, नए से वीडियो में स्वागत है आपका। तो मैंने यूट्यूब पे देखा था कि एक कॉफ़ी शॉप है, उसका काफ़ी वीडियो डाला हुआ है, लेकिन मैं काफ़ी देर से यहाँ पर, एक तो कॉफ़ी शॉप मेरे पीछे है। तो वीडियो में जो दिख रहा है कूल कैट है, आपको उल्टा दिख रहा है, बट मैं आपको सीधा दिखाऊंगा। और एक दूसरा दुकान है उस साइड में, उसका नाम मुझे पता नहीं, श्री राम कॉफ़ी स्टॉल है। तो बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, तो और भीड़ दोनों जगह पे बराबर ही है। तो आज मैं दोनों जगह की कॉफ़ी पीऊँगा और आपको बताऊँगा कि टेस्ट कैसा है। बाकी पैसा आपका है, बाकी भीड़ दोनों जगहों पर। चलिए कैमरा कर लेता हूँ बैक और मैं आपको दिखाता हूँ दोनों कॉफ़ियों के बारे में। पहली शॉप हो गई है कूल कैट कॉफ़ी बार, और दूसरी शॉप वहाँ पे है जहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पे दूसरी शॉप है। चलिए चलते हैं, पहले वहाँ पे चलते हैं क्योंकि बहुत सारा वीडियो उसके ऊपर डाला हुआ है। तो पहले वहीं का कॉफ़ी टेस्ट करता हूँ, और मुझे कॉफ़ी का नॉलेज तो उतना नहीं है, लेकिन जो टेस्ट में अच्छा लगेगा उसी के बारे में बोलूँगा कि वो अच्छा है। और ये दूसरी कूल कैट है, और पहली या दूसरी आप किसी को भी मान सकते हैं, और मैं पहली इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले उसी श्री राम के पास जा रहा हूँ मैं। तो इसके आसपास का लोकेशन कुछ ऐसा है, और लेकिन भीड़ है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि वो खाली है। तो कॉफ़ी का नाम है श्री साईं राम कॉफ़ी बार, आप देख ही सकते हैं भीड़ है यहाँ पे, इसमें नो डाउट है। तो वहाँ से ज़्यादा भीड़ है, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा नहीं था। और आसपास का लोकेशन देखिए, MG रोड पुडुचेरी, मतलब 84 लिखा हुआ है, शायद 84 स्ट्रीट होगा। चलिए चलते हैं श्री साईं राम कॉफ़ी बार, भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है। तभी ये कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ थोड़ी देर में, मैं फिर देखता हूँ कि कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है। और शायद नेट पे बोला था कि 20 रुपये की कॉफ़ी है, तो देखते हैं पैसा उतना ही है कि कितने का कॉफ़ी है। पहले मैं अपना पॉकेट चेक कर लेता हूँ कॉफ़ी के लिए पैसे हैं कि नहीं, उसके बाद। तो कॉफ़ी मिलता है कटोरी में और ग्लास में, कुछ उसको ऐसे मिलाते हैं, अब मुझे नहीं पता, बट यहाँ के लोकल लोगों को पता है ज़्यादा, उसको मिला के पीना है। और इसी दुकान पे आपको मिल जाएगा बिस्किट। इधर चाय का शॉप है, इधर भीड़ ज़्यादा है। मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ आपको दिखाने के लिए। और पीछे की तरफ चाय बन रहा है, ये ठंडा पानी से पहले उसको साफ करते हैं, फिर गर्म पानी से साफ करते हैं। ब्लैक कॉफी, और यहाँ से पैकिंग भी जाता है। तो यहाँ की कॉफ़ी मुझे लग रहा है अच्छी ही होगी, तभी इतना भीड़ है। 100 रुपया मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया और उसके लिए टोकन मिला है, देखते हैं कॉफ़ी कैसे बनता है। मोबाइल से शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये गर्म पानी है। साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। उसके बाद डाल दीजिए चीनी, ये हो गया कॉफ़ी। अच्छा, ये झाग बनाते हैं ऊपर से डाल के, ये आती है हमारी कॉफ़ी। इसको कैसे पीऊँगा यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसी कॉफ़ी मिले तो आप कैसे पीजिएगा वो बताइएगा मुझे।
शायद इसको मिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही पीना है जैसे लोग पी रहे हैं। अच्छा, ग्लास में डाल के उसको मिक्स करना है पहले। पहले देखता हूँ, दूसरे को देखता हूँ, वो देखिए वहाँ पे मिक्स करना है, वैसे ही मुझे मिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉफ़ी को कैसे पीना है। मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसी में पीना है कॉफ़ी को। कॉफ़ी है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त, इसमें नो डाउट है। आप भीड़ भी देख सकते हैं, भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। तो कॉफ़ी अच्छी है, अगर आपको कॉफ़ी पीना है तो श्री साई राम कॉफ़ी एक बार ज़रूर आइए। अगर कोई दूसरा शूट करने वाला होता है तो वीडियो आसानी से बनता है, लेकिन खुद पीना, खुद शूट करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मैंने कॉफ़ी पी ली है, कॉफ़ी वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका टेस्ट आपको पीने के बाद ही पता चलेगा। और जो लंबी दूरी से वो दूध गिराते हैं, दूध गिराना आपको दिखाना नहीं है मकसद उनका, एक्चुअली उनसे वो झाग निकालते हैं। और देखिए भीड़ देख ली, भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए आपको पहले ऐसे मिक्स करना है कॉफ़ी को जैसे ये लोग कर रहे हैं, और उसके बाद पीना है आपको। तो कॉफ़ी बहुत ही अच्छा लगा, आशा करता हूँ वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।